गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास. बेटा बेटा कल हमारा फोर्थ चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कम्युनिटी सर्विसेज. ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट नाउ. ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स. ह्यूमन बीइंग्स कौन है? हमें ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं. हम सोशल एनिमल्स हैं. सोशल एनिमल्स मतलब जो हम सोसाइटी में ही तो रहते हैं. दे लिव टुगेदर इन द कंपनी ऑफ देयर फेलो बीइंग्स इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़. देखो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारे इकट्ठे मिलके रहते हैं कंपनी में, चाहे वो विलेज में रहते हैं, चाहे वो टाउन में रहते हैं, चाहे वो सिटी में रहते हैं, लेकिन वो सारे मतलब क्या करते हैं, कंपनी में मिलकर रहते हैं. द मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी लिव इन हारमोनी एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ वन अनदर. जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं, हारमोनी का मतलब होता है कि मिलजुल कर रहते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, एंड वर्क फॉर द बेनिफिट मतलब दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं. दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी. बल्कि अगर कोई बीमार हो जाए उनके घर में या कोई भी एमरजेंसी हो तो उनको वो पूरी तरह से सपोर्ट भी करते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं. कम्युनिटी लिविंग हेल्प्स इन बिल्डिंग ए पीसफुल सोसाइटी. अगर एक सोसाइटी है और इसमें सभी लोग कम्युनिटी के साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो ऐसी सोसाइटी को हम पीसफुल सोसाइटी कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर कभी कोई भी झगड़ा नहीं होगा. ठीक है बेटा, आगे देखो. कम्युनिटी सर्विसेज. कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? इज़ द हेल्प और असिस्टेंस डैट बेनिफिट्स दी कम्युनिटी. कम्युनिटी सर्विस में वो सारे काम आ जाते हैं जो हम अपनी कम्युनिटी की हेल्प के लिए, बेनिफिट के लिए करते हैं. ठीक है, इट मे बी असिस्टिंग दी एल्डरली, पार्टिसिपेटिंग इन, मतलब इसमें क्या क्या काम आ गए कम्युनिटी सर्विस में. एक तो इन्होंने लिखा है असिस्टिंग दी एल्डर, मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं, जैसे हमारे आस पड़ास में कोई बीमार है, कोई बड़ा आदमी, तो उसकी हेल्प करनी, उनकी केयर करनी. ठीक है, नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, जैसे हम कहते हैं कि अगर रात को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जो इसमें मतलब नेबरहुड वॉच प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, ये भी हमारा कम्युनिटी सर्विस के अंडर आता है. ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे. इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लोकेलिटी, जहाँ पर हम रह रहे हैं. देखो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, स्कूल चिल्ड्रन हैं जो ये मिलकर कम्युनिटी सर्विसेज कर रहे हैं. स्वच्छ भारत अभियान है जो इन्होंने चलाया हुआ है. ठीक है, तो ये अपनी लोकेलिटी को सुंदर बना रहे हैं. ये नहीं देख रहे कि हम गलियों में झाड़ू लगाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे. ठीक है, तो ये कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं अपनी लोकेलिटी को अच्छा बनाने के लिए. मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी सर्विसेज प्रोग्राम बाय डोनेटिंग मनी. कई होते हैं, देखो कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट करना, ज़रूरी नहीं है कि गलियों में झाड़ू लगा के हम कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कोई मनी डोनेट कर देता है, पैसे दान कर देता है उनकी सर्विस के लिए. इट गिव्स देम प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन. इनसे उनको भी खुशी भी मिलती है और सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं. ठीक है, ये कम्युनिटी सर्विसेज क्या होती हैं? जो हम अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करते हैं. उसके बाद देखो, पुराने टाइम में कम्युनिटी सर्विसेज इन ओल्डन टाइम्स, कि पुराने पहले वाले टाइम में कम्युनिटी सर्विसेज किस तरह की थी. कम्युनिटी सर्विसेज ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर. कि मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी हमने स्टार्ट किया कम्युनिटी सर्विस, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, कल्चर का, आज से नहीं बहुत पहले से. पहले क्या करते थे पीपल? हेल्प द पुअर विद मनी, मतलब गरीब लोगों की सहायता कर देते थे, उनको पैसे देकर, क्लोथ्स देकर, फूड देकर, शेल्टर देकर और लुकड आफ्टर दी सिक या बीमार पर्सन की देखभाल करके. तो ये जो हैं वो कम्युनिटी सर्विस जो आपको दी हुई हैं, ये ओल्डन टाइम्स में है कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह की कम्युनिटी सर्विस है वो करते थे. डू यू नो मैनी पीपल गिव मनी एंड फूड टू बैगर्स. बहुत सारे लोग होते हैं जैसे भिखारियों को पैसे भी दे देते हैं और फूड भी दे देते हैं. दिस इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है. बल्कि उनको पैसे और खाना देने की बजाय भिखारियों को, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेन दैम फॉर सम क्राफ्ट स्किल लाइक मेकिंग क्वायर फैंस, चॉय, पेपर बैग्स. मतलब उनको आप पैसे दे रहे हो, खाना दे रहे हो, तो उनको आदत ही नहीं रहेगी काम करने की. बल्कि आप उनको कहो कि बिल्कुल ठीक ठाक हो भाई, आप
ना कोई काम सीखो, उनको सिखाओ कुछ ऐसा क्राफ्ट स्किल, कोई टॉय बनाना, कोई पेपर बैग बनाना, ताकि वो उनको सेल करके अपना जो मतलब कर सके अपना गुजारा, सो डैट दे कैन वर्क टू अर्न दी मनी, ताकि वो अपना जो पैसा कमाने के लिए खुद काम कर सके, तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये है हमारी पुराने ज़माने की कम्युनिटी सर्विसेज। और क्या है, इन अर्लियर टाइम द किंग और एम्परर्स टुक अप मैनी प्रोजेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन पीपल। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजे हुआ करते थे तो वो कॉमन लोगों की मतलब जो आम जनता थी उनकी भलाई के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट बना देते थे। ये भी कम्युनिटी सर्विसेज ही है, जैसे हेल्पिंग द ट्रैवलर्स, कोई जैसे हमने पीछे पढ़ाई था चैप्टर में कि मतलब कोई भी ट्रैवलर इधर घूमने आ गए, चाइनीज़ ट्रैवलर फाइयान आ गए या कोई भी आ गया, उनकी हेल्प करनी, या प्लांटिंग ट्रीज़ को उगाना, डिगिंग वेल, पानी चाहिए उनको तो वेल की खुदवाई वगैरह करवाना, तो ये सारे जो काम हमने पढ़े हैं ये कम्युनिटी सर्विस में आते हैं। तो आपको कम्युनिटी का मतलब भी मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, और कम्युनिटी सर्विस का भी। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से करना है आपने। ओके बेटा।